गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार यादव। आज हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। इसमें हम मेनली इनपुट डिवाइसेस के ऊपर फोकस करेंगे। इससे पहले जो डिवाइस इस टॉपिक पे जो कंटेंट्स कवर किए जा चुके हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, ऐसे ही हम जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट करने से पहले हमें इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस करते क्या हैं। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली कंप्यूटर के सीपीयू को डेटा और कमांड्स सप्लाई करते हैं, जिन्हें कि कंप्यूटर स्टोर भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है और रिक्वायर्ड फंक्शंस कमांड्स के अकॉर्डिंग कर सकता है। तो हम बेसिकली कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस सप्लाई करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। इन इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला डिवाइस कीबोर्ड है। हमने सब लोगों ने ही देखा होगा कि कोई भी कंप्यूटर हो उसमें दो एसेंशियल इनपुट डिवाइसेस तो जुड़े होते ही होते, जैसे कि कीबोर्ड और माउस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, उसमें कितनी कीज़ होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कीबोर्ड का लेआउट स्टडी करने से पहले सबसे हम ऊपर की रो से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले की है वो है एस्केप की। एस्केप की एक सिस्टम की है जो कि किसी भी चीज को, रनिंग प्रोसेस को स्टॉप करने के काम आती है। इसके बाद में F1 से लेके F12 तक नॉर्मली फंक्शन कीज फाइंड होती हैं या मिलती हैं हमें इस कीबोर्ड के ऊपर के लेआउट पर। ये फंक्शन की अलग अलग काम के लिए होती हैं, जैसे F1 जो है वो हेल्प के लिए होती है, F2 जो है वो रिनेमिंग के लिए, ऐसे ही हर एक का अपना अपना काम है। लास्ट में यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन और ये जो है ये सिस्टम कीज हैं। इसके नीचे के पार्ट में हमें कंपोज कीज मिलती हैं, जैसे कि ये टिल्डा के साइन वाली एक की, 1 2 3 XYZ क्वर्टी कीबोर्ड मिलता है, जिसमें QWERTY क्वर्टी वाला जो सिंबल है वो यहीं से नाम इसका रखा गया है, तो ये यहाँ पर मिलता है। ये यहाँ पर हमें कैप्स लॉक मिलता है। अगर हम कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो हमारे जो करेक्टर्स हैं वो कैपिटल्स में प्रिंट होते हैं या टाइप होते हैं, और अगर हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होते हैं। शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की, ये मॉडिफायर कीज होती हैं जो कि एग्जिस्टिंग कीज का, ये अपने आप में खुद नहीं कुछ भी नहीं करती, पर जो बाकी कीज हैं उनका बिहेवियर ये मॉडिफाई कर देती हैं, तो इनको हम मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। ऐसे ही ये स्पेस बार है, जो हम जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो दो अल्फाबेट्स के बीच में स्पेस देने के काम आता है। ये यहाँ पर अगेन शिफ्ट है, ऑल्ट है, कंट्रोल है, ऊपर फिर से हमें एंटर का सिंबल मिलता है जिससे कि हम नई लाइन में जा सकते हैं। ये यहाँ हमें नेविगेशन पैड मिलता है, नेविगेशन से हम जो कर्सर है उसको लेफ्ट, राइट, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मूव करवा सकते हैं। इसके ऊपर इंसर्ट का, डिलीट का, होम का, एंड का, पेज अप, पेज डाउन, पेज अप और पेज डाउन, होम और एंड, ये भी अगेन नेविगेशन टाइप की कीज होती हैं। यहाँ ये लास्ट में हमें नंबर पैड मिलता है। नंबर पैड जो है वो हम उसका तब उपयोग करते हैं जब अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में हम केवल और केवल न्यूमेरिक डेटा सप्लाई कर रहे होते हैं या कैलकुलेटर टाइप का उपयोग कर रहे होते हैं, तो हम ये नंबर पैड का यूज़ करते हैं, जिसमें बार बार की करेक्टर्स का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें सारी डिजिट्स मिलती हैं, बेसिक ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन कीज करती क्या हैं। तो फंक्शन कीज जो होती हैं वो प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ कमांड्स होती हैं, जो कि या तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सप्लाई करते हैं या सिस्टम प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम कमांड्स देते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन कीज का उपयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपकी हेल्प के लिए लिखा भी है कि कौन सी फंक्शन की क्या करती है, कुछ लिख पाए, बाकी की चीज़ें आप देख भी सकते हैं।
F1 जैसे हेल्प के लिए, जैसे ही आपने किसी पे कोई हेल्प चाहिए तो F1 प्रेस करेंगे तो ये आपको सामने आपकी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हेल्प ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अगर आपकी कोई फाइल है तो आपको डायरेक्टली रीनेम करनी है तो F2 प्रेस करते हैं तो फाइल या फोल्डर का नाम हम रीनेम कर सकते हैं। F3 अगर कोई कंटेंट सर्च करना है हम तो हम F3 से सर्च कर सकते हैं। अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके चालू हैं और उनमें से करंट विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो आप एक शॉर्टकट की होती है Alt+F4, यानी Alt+F4 आपको एक साथ दबाना होगा तब आपकी करंट जो विंडो है वो बंद हो जाएगी। F5 की के साथ में हम जो सिस्टम है उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। मेनली ये ब्राउजर में उपयोग में आती है जब हम पेज को रीलोड करना चाहते हैं, पर हम नॉर्मली जब हम कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, ब्राउजर को नहीं यूज कर रहे होते हैं, तो डेस्कटॉप को भी रिफ्रेश किया जा सकता है इसकी हेल्प से। अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो F6 की हेल्प से हम डायरेक्टली एड्रेस बार पर कर्सर को मूव करवा सकते हैं। हमें कीबोर्ड की सहायता से ही ये किया जा सकता है बिना किसी माउस के, तो डायरेक्ट जंप कर जाते हैं हम एड्रेस बार पर। F7, अब अगर हम कोई टाइप कर रहे हैं और हमें स्पेलिंग चेक करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो F7 जैसी यूटिलिटी का हम यूज कर सकते हैं। F8, जब हम कंप्यूटर बूट करवा रहे होते हैं तो उसको अगर सेफ मोड में अगर आपको बूट करवाना है या बूट ऑप्शंस देखने हैं तो F8 प्रेस करना होता है हमें। तो ये हुई फंक्शन कीज की। कीबोर्ड के अंदर एक और सेट होता है जिसको हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। इस मॉडिफायर कीज के अंदर शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, ऑल्ट होता है। ये जो मॉडिफायर कीज होती हैं ये अपने आप में कुछ नहीं करती। अगर आप इनको सिंगल सिंगल प्रेस करोगे तो आपको कोई भी टाइप होता हुआ वर्ड दिखाई नहीं देगा या कोई भी एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, पर जब हम इसको किसी के साथ में कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं तो जिसके साथ कॉम्बिनेशन में हम अप्लाई कर रहे होते हैं उस की का बिहेवियर ये चेंज कर देती हैं। ये नॉर्मल कीज को या तो कमांड कीज में कन्वर्ट कर देती हैं या किसी और पर्पस के लिए, हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो इनको हम मॉडिफायर की करते हैं जो कि बाकी कीज का बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस भी कंप्यूटर के अंदर बहुत ही एसेंशियल डिवाइस के रूप में माना जाता है। इनपुट डिवाइसेस में ये भी हर एक कंप्यूटर के साथ में आपको अटैच्ड दिखाई देगा ही देगा कीबोर्ड की तरह ही। बिना माउस के हमारा जो लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है। माउस के बिना थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है पर सुविधाजनक नहीं होगा। तो माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग का काम करता है, यानी कर्सर की जो पोजीशन है उसको हम पॉइंट करवा सकते हैं। हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शंस के लिए भी यूज किया जा सकता है और हम कमांड्स भी दे सकते हैं इसकी सहायता से। हम सेलेक्टेड के ऊपर कमांड्स दे सकते हैं, प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो बटन है वो क्लिक करके हम कमांड्स दे सकते हैं, तो राइट हैंड साइड का यानी राइट क्लिक बटन को हम क्लिक करके हम कमांड्स की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। माउस जो है वो दो प्रकार के होते थे। पहला जो था मैकेनिकल माउस, जिसमें एक बॉल होती थी और रोलर्स होते थे अंदर, उस बॉल की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए, मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए चारों तरफ जो थे वो रोलर्स लगे होते थे। उन रोलर्स के मूवमेंट से ही हमें ये पता चलता था कि माउस किस डायरेक्शन में मूव करवाना होता था। आजकल ये मैकेनिकल माउस ऑब्सलीट हो चुके हैं क्योंकि इनमें डस्ट से स्पेशली इनको प्रोटेक्टेड रखना पड़ता था, नहीं तो जो बॉल और रोलर्स थे वो जाम हो जाते थे और वो खराब हो जाता था। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो है ऑप्टिकल माउस। आज 99% कंप्यूटर्स में ऑप्टिकल माउस ही यूज करते हैं। इसमें एक लाइट इमिटिंग सोर्स होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, एक ऑप्टिकल सेंसर होता है। लाइट सबसे पहले सरफेस पर आकर के टकराती है, वापस से रिफ्लेक्ट होकर के ऑप्टिकल सेंसर के पास जाती है। ऑप्टिकल सेंसर उस लाइट के पैटर्न को रीड करता है, उस पैटर्न से वो ये एनालाइज करता है
कि सरफेस टेक्सचर में डिफरेंस या वेरिएशन कितना आया, उसी से वो माउस की मूवमेंट को रीड करने की कोशिश करता है या समझने की कोशिश करता है। उसी के बेसिस पर जो माउस है उसका इमेज प्रोसेसर सीपीयू को कमांड्स भेजता है। ऑप्टिकल माउस में भी बटन जो होते हैं वो लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉल बार होता है ऊपर गोल बटन, जिससे कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं या स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइसेस जैसा ही होता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम आता है जो कि कमांड देता है कंप्यूटर को। नॉर्मली ये जो जॉयस्टिक है वो गेमिंग में उपयोग होता है, एविएशन में और सिम्युलेटर्स में उपयोग किया जाता है। ये जो है वो बेसिकली जो फिजिकल मूवमेंट है या फिजिकल फोर्स है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के प्रिंसिपल पर आधारित होती है। ये जो जॉयस्टिक है ये कंप्यूटर में माउस से ज़्यादा बेटर होती है। ये कंप्यूटर के कंपैरिजन में एंगल भी सेंस कर सकती है, डायरेक्शन भी सेंस कर सकती है और जो प्रेशर है उसको भी ये सेंस कर सकती है। इसमें कंप्यूटर के माउस के कंपैरिजन में ज़्यादा बटन्स होते हैं, एक नॉब होती है जो कि हम यूज़ करते हैं। नॉब के अंदर कंट्रोल बटन्स होते हैं और लेफ्ट लाइट राइट के लिए जैसे कि ऊपर जो टिक पॉइंट्स रहते हैं इनके ऊपर आप देख सकते हो ये नॉब है। नॉब के ऊपर दो बटन्स बने हुए हैं। नीचे ऑलवेज जैसे गेमर्स यूज करते हैं तो ऑलवेज फायर ऑटो फायर मोड जो होता है, जैसे अगर आप गेम ओपन कर रहे हो या प्ले कर रहे हो तो यहाँ ऑटो फायर मोड भी होता है। ये यहाँ पर जो बॉल होती है वो नीचे एक प्लेट के ऊपर जुड़ी हुई होती है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो उसकी डायरेक्शन को, फोर्स को, मूवमेंट को, और नीचे एक प्लेट लगी हुई होती है जिसको हम प्रेशर सेंसर प्लेट कहते हैं, तो वो प्रेशर को सेंस करती है और उस आधार पर वो सिग्नल्स भेजती है। तो माउस के कंपैरिजन में ये कई सारी चीजें एक्स्ट्रा सेंस कर सकती है, एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है उसको हम स्कैनर कहते हैं। स्कैनर्स नॉर्मली आपने सबने ही देखा होगा, कंप्यूटर्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ये ऑप्शनल पार्ट है, ये कंपल्सरीली जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको रहने भी दे सकते हैं। इसका अगर आप जोड़ते हैं तो सबसे पहले इसका डिवाइस ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना होता है। बेसिक वर्किंग जो होती है वो हमें सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट होता है, जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है या पेपर बेस्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, हम उनको इसकी सहायता से डिजिटल रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके ऊपर एक ग्लास की सरफेस बनी हुई होती है उसके ऊपर रखना होता है। जैसे ही हमें रखा होता है तो नीचे एक लैंप होता है, लैंप लाइट इमिटिंग सोर्स के रूप में काम कर रहा होता है। ये गाइडेड प्लेट के ऊपर मूव करता है लेफ्ट टू राइट और ये लाइट भी आगे मूव करती है, जैसे कि फोटोकॉपी मशीन्स में आपने देखा होगा। तो ये लैंप होता है, ये लैंप की लाइट उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर हिट करती है, हिट करके रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट होके ये एक मिरर के ऊपर आती है, मिरर इसको वापस से डाइवर्ट कर देता है। ये डाइवर्ट होके एक लेंस पे डलती है, लेंस पर जाकर के एक सीसीडी यानी चार्ज कपल्ड डिवाइस के रूप में यानी एक फोटो सेंसर होता है जो कि इसको कलेक्ट करता है। इसमें छोटे छोटे फोटोन सेंसर होते हैं, ये उस लाइट के जो सिग्नल्स होते हैं उसको सेंस करता है और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग के फॉर्म में होते हैं, तो अब उन्हें डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए एक एडीसी डिवाइस लगा होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिवाइस। तो इस तरीके से हमारी स्कैनिंग पूरी होती है और जो डेटा है वो एनालॉग यानी जो सिंपल डेटा है यानी टेक्स्ट पेपर बेस्ड डेटा है उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये लैंप, ये डॉक्यूमेंट, ये मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आई लेंस पर, लेंस ने वापस से उसको सीसीडी के ऊपर रिफ्लेक्ट किया और सीसीडी ने उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एडीसी के पास गए, एडीसी ने डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर दिया। सीसीडी जो होता है वो छोटे छोटे फोटो डायोड्स होते हैं या फोटोन सेंसर्स होते हैं जो कि फोटोन्स यानी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उनके कंपैरेटिवली यानी जो उनके जगह पर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हम एडीसी के पास भेजते हैं, एनालॉग टू डिजिटल डेटा कन्वर्जन यूनिट होती है, तो वो उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। जो सीसीडी है उसका फुल फॉर्म है चार्ज कपल्ड डिवाइस। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैनर्स, तो मार्केट में दो टाइप के स्कैनर्स बहुत पॉपुलर हैं, पहला फ्लैट पैड स्कैनर्स और दूसरा हैंड हेल्ड स्कैनर्स। अभी जो हमने पढ़ा, जो डायग्राम देखा था जिसमें ग्लास की स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट रखते हैं, एक लाइट सोर्स होता है जिससे लाइट इमिट होती है और लाइट पेपर को हिट करती है और वापस से रिफ्लेक्ट होते होते वो सीसीडी पर आकर गिरती है, सीसीडी उससे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है और एडीसी उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती है। सारा का सारा प्रोसेस जो है वो फ्लैट बेड स्कैनर का ही है। ये नॉर्मली सभी कंप्यूटर्स के साथ में देखे जाते हैं। दूसरा टाइप का जो स्कैनर है वो है हैंड हेल्ड स्कैनर्स। ये फ्लैट बेड स्कैनर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, आसानी से मूवेबल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। इन्हें आप अपने हाथ की सहायता से पेपर के ऊपर मूव करवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा सकते हैं। इसमें हमें ये सावधानी रखनी पड़ती है कि जो पेपर के ऊपर टच करवाने के बाद में एक कांस्टेंट स्पीड पे और रेकमेंडेड स्पीड पे ही धीरे धीरे उसको मूव करवाना होता है पेपर को। स्पीड बहुत ज़्यादा होने पर और बहुत कम होने पर जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिलते, तो इसमें थोड़ी प्रिकॉशन हमें रखनी पड़ती है। इसके अंदर देखा जाए तो एक पावर सोर्स जो होता है वो बैटरी ऑपरेटेड भी हो सकता है, तो इसका पावर सोर्स पीसी से यूएसबी केबल के द्वारा भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन जो है वो यूएसबी के द्वारा भी हो सकता है कंप्यूटर में, और मेमोरी के द्वारा भी स्टोर किया जा सकता है। इसके अंदर एक स्टार्ट बटन होता है, ये एक छोटा डिस्प्ले भी हो सकता है, कईयों में एलईडी डिस्प्ले आता भी है, कईयों में नहीं भी आता है। ये एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है, वही प्रिंसिपल है। बेसिकली लाइट इमिट होती है तो लाइट इमिटिंग सोर्स होता है और एक छोटी सी सीसीडी यूनिट होती है, सेम टू सेम वैसे ही, तो वापस से वो हिट करती है, रिफ्लेक्ट होती है, वापस से आकर के सीसीडी पे गिरती है और सीसीडी उसको कन्वर्ट करती है। अब इसको हमें वो वहां पर हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना होता था, इसमें हमें मैन्युअली हाथ से ही इस स्कैनर को धीरे 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 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना होता है। ये जो स्पीड होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर ही हमें इसको मूव करवाना होता है। अगर आपकी स्पीड में वेरिएशन है और परफेक्शन नहीं है तो स्कैन के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। हैंडहेल्ड डिवाइसेस भी, जो हैंडहेल्ड स्कैनर्स होते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं, टू डायमेंशनल जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, और थ्री डायमेंशनल भी होते हैं आजकल। थोड़े कॉस्टली होते हैं पर उनकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट्स को स्कैन कर सकते हैं थ्री डायमेंशंस में, या 3D के अंदर स्कैन की जा सकती है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है हमारा है वो है बारकोड रीडर। बारकोड कहाँ मिलता है? हम जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे ऐसी लाइंस बनी हुई होती हैं, इस टाइप की लाइंस। ये जो लाइंस होती हैं उनकी जो थिकनेस होती है, यानी मोटाई जो होती है, उसमें वेरिएशन होता है और उसी थिकनेस के अकॉर्डिंग जो नंबर्स होते हैं वो मैप किए हुए होते हैं। अलग अलग थिकनेस के अलग अलग नंबर्स मैप किए हुए होते हैं, तो हमें जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एक यूनिक कोड होता है। उस यूनिक कोड को स्कैन करने के लिए हमें बारकोड रीडर की सहायता से हम यूज़ कर सकते हैं। बारकोड भी दो टाइप के होते हैं, एक टू डायमेंशनल बारकोड्स जिसमें लाइंस होती हैं, और एक 3D बारकोड्स जिसमें एक स्क्वायर बना हुआ होता है, लाइंस ना होकर के डॉट्स होती हैं, उनकी सहायता से भी हम स्कैन कर सकते हैं। बारकोड एक रीडर डिवाइस होता है, इसमें से यहाँ पर एक लाइट सोर्स होता है, लाइट्स में से वो लेजर लाइट की बीम निकलती है, यहाँ पे हिट करती है, वापस से रिफ्लेक्ट होके आती है, रिफ्लेक्ट आकर के यहाँ पर अगेन ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ होता है जो कि इस थिकनेस को रीड करता है। जहाँ जहाँ पर ये ब्लैक लाइन होती है वहाँ वहाँ से रिफ्लेक्शन वापस नहीं आ पाता, तो थिकनेस का हमें जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं आता उसकी थिकनेस को हम मेज़र कर लेते हैं और लाइन की मोटाई का कैलकुलेशन किया जाता है और उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं बारकोड की सहायता से। बारकोड रीडर जैसे ही इस बारकोड को रीड करता है नंबर्स में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देता है, तो उसकी सहायता से एसोसिएटेड जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है उसको ये पता चल जाता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है,
तो उसकी सहायता से ये जो मेन है ये सेल्स यूनिट्स पर या पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में और बड़े स्टोर्स बारकोड रीडर की सहायता से प्रोडक्ट्स को स्कैन करते हैं ताकि उनकी डिटेल्स उनको डालनी नहीं पड़ती है। बारकोड रीडर को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक ऑन बटन भी होता है, जैसे ही ऑन बटन के ऊपर क्लिक किया बारकोड रीडर से लाइट निकलती है, वापस से रिफ्लेक्ट होकर आती है, प्रोसेस होती है और डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। OMR रीडर या ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर लगभग वही लाइट वाले ही प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें जब भी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्स में हमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें चार या पांच ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होता है और एक हमारे पास में OMR शीट होती है। OMR शीट में हमें ऐसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं ABCD, तो हम जिस भी ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया हम उसे बबल को जैसे डी को अगर सेलेक्ट किया तो डी को ब्लैक कर देते हैं, बी सेलेक्ट किया तो बी को हम ब्लैक कर देते हैं, बाकी जो बबल्स होते हैं उनको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ब्लैक नहीं करते। ब्लैक करने का फायदा ये होता है कि जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो वहां पर हम उसको जो है वो रीडर जो है वो केवल और केवल यही रीड करता है कि कहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, उसी पॉइंट को वो रीड करता है। तो ये उल्टा करता है, तो जो आपने सेलेक्ट किया वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो उसको इन्वर्ट करता है और उसको रीड कर लेता है। OMR रीडर में कई बार हमें रोल नंबर्स का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पर हम रोल नंबर पेन से भी भरते हैं तो ऐसे केसेस ही सेम टू सेम बबल्स भी हमें मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के, तो हमें दोनों ही टाइप से कर सकते हैं। तो ऑटो प्रोसेसिंग होती है, इसमें मैन्युअली प्रोसेस करने की कोई लफड़ा नहीं होता, झंझट नहीं होता और जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है एज कम्पेयर टू मैनुअल प्रोसेसिंग के, ये 100 times मच फास्टर होता है बजाय के मैनुअल के। एक सीट को प्रोसेस करने के में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 5 सेकंड लगते हैं या 10 सेकंड और उसके बाद में सारा का सारा रिजल्ट आपके पास में होता है, पूरा प्रोसेसिंग होते होते 1 मिनट में एक रिजल्ट प्रोसेस हो जाता है नॉर्मली। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली बैंक्स में और बैंक के जो चेक आते हैं उनके ऊपर यूज होता है। MICR कोड जो है उसमें हम जो भी कंटेंट्स लिखते हैं वो नॉर्मल फॉन्ट्स में ही दिखाई देते हैं, पर इन फॉन्ट्स को प्रिंट करने के अंदर मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है। इस मैग्नेटिक इंक्स का फायदा ये होता है कि ये जो इंक है इसके फॉन्ट्स की सहायता से ह्यूमन बीइंग भी उसको रीड कर सकता है, उनको पढ़ सकता है और मशीन के द्वारा भी उन्हें रीड किया जा सकता है। इससे जो चेक्स की प्रोसेसिंग और चेक क्लियरिंग सिस्टम है बैंक्स में उसकी स्पीड काफ़ी हद तक हम इंक्रीज कर देते हैं, ऑटोमेशन किया जा सकता है और इनके अंदर फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। ये जो MICR कोड होता है नॉर्मली इंडिया के अंदर जो यूज़ हो रहा है वो उसमें 9 digits का कोड होता है। ये 9 digits में से पहली 2 digits बैंक्स के लिए, ब्रांच के लिए आगे की 2-3 digits और बाकी की जो डिजिट्स हैं वो चेक के लिए रिजर्व रहती हैं। इस तरीके से MICR की सहायता से बैंक्स जो हैं वो चेक प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है वेब कैमरा। वेब कैमरा नॉर्मली हम वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या इमेज के स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यूज करते हैं। जो वेब कैमरा होता है वो लैपटॉप में इनबिल्ट आता है। नॉर्मल डिवाइसेस के, नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर हमें इसे जोड़ने के लिए हमें मार्केट से इसको परचेज करना होता है और इसको जोड़ना होता है। इसका एक सॉफ्टवेयर भी होता है डेडिकेटेड, उसको इंस्टॉल किए बिना हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसका बेसिक काम है जो है वो पिक्चर्स और वीडियोस को रिकॉर्ड करना, स्टोर करना और इसकी सहायता से हम ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। इसमें नॉर्मली इसमें माइक इसके अंदर इनबिल्ट होता है तो इसकी सहायता से हम वीडियो चैटिंग, जैसे स्काइप जैसी ऐप थी, अब आज तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल पे अलाउड है और फिजिबल भी है। पहले जो मोबाइल कम्युनिकेशन जो था उसमें वीडियो कॉलिंग बहुत कॉस्टली थी और नॉर्मल मोबाइल्स के ऊपर अवेलेबल भी नहीं थी, तो उस टाइम पर
हम वेब कैमरा की सहायता से स्काइप जैसी ऐप से वीडियो चैट कर सकते थे और इसकी कॉस्ट जीते हुए वो बहुत ही कम थी। इवन जो फॉरेन में रहते थे वो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए भी वेब कैमरा और वेब डिवाइसेस का यूज करते हुए स्काइप के ऊपर बहुत ही कम कॉस्ट में वो वीडियो चैट कर पाते थे। तो इस प्रकार से वेब कैमरा जो है वो बहुत ही यूजफुल। इसी के साथ लगभग सभी इनपुट डिवाइसेस कवर हो चुके हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सजेशंस में फीडबैक दे सकते हैं, तो वो कवर कर दिया जाएगा। इनपुट डिवाइसेस में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फीडबैक के लिए आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल भी भेज सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट, जैसे कि अभी कोरोना फैला हुआ है तो प्लीज़ डिजिटल मनी को सपोर्ट कीजिए। ये ना केवल करप्शन को, ब्लैक मनी को और फेक करेंसी को रिड्यूस करता है, बल्कि डिजिटल मनी जैसे कि आपका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या यूपीआई पेमेंट जो है, भीम जैसी एप्लीकेशन जो हम पेमेंट करते हैं, उससे जो कोरोना जैसी संक्रामक बीमारियां हैं वो इंसान में फैलने से भी रुकती हैं, क्योंकि बार बार करेंसी आपके एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं गुजरती। तो करेंसी जब आपसे टच ही नहीं कर रही है तो ऐसी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी ना के बराबर होता है। तो प्लीज़ आप जो पेमेंट है वो भी डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मनी से ही कीजिए, ताकि आप संक्रमण से बचे रहें। थैंक यू सो मच।